For the branched structures, we took the example of butane yesterday. ठीक है, हमने ब्यूटेन की एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये था. दिस इज द सिंपल और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. इफ यू कन्वर्ट इट इनटू द ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, जहां पर आप ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हो. ओके, तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सी कैन आई राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है डेट इज सी फोर, तीन तीन छ और ये चार. ठीक है, तो सी फोर एच टेन है. जब आप इसको ब्रांचिंग में लिखोगे तभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा. ओके, इसका स्ट्रक्चर रादर चेंज हो जाएगा बट इसका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, तीन तीन छ तीन नौ और एक ये दस. So they are the branched chain structures of the butane. तो इसमें हमने दो chain structures लिखे हैं, एक straight chain है ऊपर और ये जो है वो branched chain structure है. और मैंने कल आपको इसकी naming भी बताई थी. ठीक है, naming part में हमने कल discuss किया था. देखो, we have to select a main chain. ये हमने main chain select कर ली. ये main chain जो है वो तीन carbon atoms की बनी हुई है. Naming आपने दोनों तरफ से देखनी है numbering के लिए. Okay? आपने दोनों तरफ से उसकी नंबरिंग चेक करनी है कि जो मेरा साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. कल मैंने ये आपको बताया था, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये बॉन्ड होता है बॉन्ड के साथ CH3. इसका मतलब क्या है कि कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड उसका अभी भी खाली है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट. इन द सेम वे C2H5 आप लिखते हो, डेट इज द नेक्स्ट मेंबर. C2H6 लिखते हैं हम, एल्केन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर होता है ये. इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बॉन्ड खाली हो गया. ओके, तो C2H5 और साथ में ये एक बॉन्ड है. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये नेगेटिव नहीं है, बॉन्ड है कार्बन का. राइट, तो इसका नेम बन जाता है. सबसे पहले आपने उसकी पोजीशन बतानी होती है कि कौन से नंबर पर है वो. सो इट इज प्रेजेंट एट द सेकेंड नंबर ऑफ दैट कार्बन. ठीक है, जो मेन चेन का कार्बन है उसके ऊपर कौन सा नंबर है, तो वो टू नंबर पे है उसके टू. उसके बाद जब आपने एक नंबर को और एक अल्फाबेट को सेपरेट करना है तो आपने क्या लगाना है, हाइफन लगाना है. ओके, सो टू कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल. मैंने आपको कल भी बताया था ये प्रीफिक्स में चलते हैं, वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं ये. So this is 2-methyl, 1-2-3 propane. तीन की चेन रह गई है मेन चेन, तो इसका नाम क्या है, 2-methyl propane. इसका नाम था ब्यूटेन. जब ये ब्रांचिंग में चला जाता है तो एक कार्बन कम हो गया है तो ये प्रोपेन बन गया है. सो इट्स नेमिंग इज 2-methyl propane. बट आप देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट जो उनका फॉर्मूला है दोनों का सेम है. दोनों के कार्बन चार हैं, दोनों के हाइड्रोजन 10 है. द ओनली डिफरेंस इज इन द राइटिंग ऑफ देयर स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो फिनोमिना है, राइट, दिस फिनोमिना इन विच द कंपाउंड्स दे आर बेयरिंग द सेम फॉर्मूला, दे आर बेयरिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. This is known as isomerism. इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, isomerism कहते हैं. So isomerism, it is a phenomena in which compounds have same मॉलिकुलर फॉर्मूला. द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. आप देख सकते हो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 दोनों का है. बट ये डिफर कहां पर किए हैं, दे डिफर इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला.
ओके तो अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं जो मैंने लिखे हैं, एक स्ट्रेट चेन लिखा है, एक ब्रांचिंग वाला लिखा है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये दोनों आइसोमर्स बन जाते हैं. These both the straight chain butane and this 2-methylpropane they both form the isomers. ये दोनों क्या हैं? Isomers हैं. और इस phenomena को हम क्या कहते हैं? Isomerism कहते हैं, जहां पर compounds का molecular formula same है, C4H10 C4H10, but structure different हो गया है दोनों का, एक straight chain है और एक branched है. ओके, इन द सिमिलर वे वी कैन राइट फॉर द पेंटेन द नेक्स्ट मेंबर. 4 के बाद अब 5 मेंबर वाला लिखते हैं. तो आपको पूछ लेंगे अगर दैट व्हाट आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, व्हाट आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, कैन वी राइट नॉर्मल पेंटेन फर्स्टली. This is the normal pentane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन वाली स्पीशीज है. ओके, अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो इट विल बी C5H12. राइट, नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं. राइट, अब इसमें से एक कार्बन हटा देते हैं. यहां पर लगा देंगे. ओके, लाइक दिस लिख सकती हूं मैं ऐसा स्ट्रक्चर. अभी भी देखो, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, फिर से 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन ही है, सिर्फ मैंने एक कार्बन को हटाया था. और मैं इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैंने एक कार्बन हटाया है तो मैं 2 कार्बन भी हटा सकती हूँ, ब्रांचिंग में लगा सकते हैं हम. ओके, तो दिस इज द थर्ड आइसोमर. ये फर्स्ट आइसोमर था, ये सेकंड था और ये थर्ड आइसोमर. ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है. यहां पर मैंने एक ब्रांचिंग में लेके गई हूँ कार्बन और यहां पर मैं 2 ब्रांचिंग में लेके गई हूँ कार्बन. और ये स्ट्रक्चर बनाने कैसे होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा. जस्ट ड्रॉ द रफ स्ट्रक्चर. जैसे आपने यहां पर 2 ब्रांचिंग में लेके जाने, आपके पास आपको पता है कि 5 कार्बन है, अगर 2 ब्रांचिंग में चले जाएंगे तो 3 बचेंगे स्ट्रेट चेन में, तो 3 मैंने बना लिए. ओके, अब 2 ब्रांचिंग में जो बनाएंगे वो हम यहां पर बनाएंगे. ये 2 कार्बन मैंने ब्रांचिंग में बना दिए. अब बस आपने हर एक कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना. इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 पड़े हैं, इस कार्बन ने एक बनाया 3 लेफ्ट, अगेन 1 बनाया है तो 3 और बनाएगा, 1 बनाया तो 3 और बनाएगा. ये वाले कार्बन के ऑलरेडी 4 जो है वो कंप्लीट है. ओके, सो इन दिस वे वी विल बी मेकिंग द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन. अब सबके नेम लिखते हैं. दिस इज नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन है ये. ठीक है, अब यहां पर ये ब्रांचिंग में गया है तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं इसको क्या नंबर मिलता है. अगर मैं इधर से कर रही हूं तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, अगर मैं इधर से जाऊंगी तो उसको 3 नंबर मिलेगा. देखो 1, 2, 3. तो मैंने अपनी नेमिंग जो है वो इधर से करनी है ताकि इसको कम से कम नंबर मिले. ओके, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी, सी इट इज गेटिंग 3 नंबर, कम से कम नंबर देना है हमने इसको. सो इट विल बी 2-methyl. मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगेन CH3 ग्रुप है. और कितने की कार्बन चेन रह गई है? 1, 2, 3 and 4. सो दैट इज 2-methylbutane. 4 की कार्बन चेन है तो ब्यूट आएगा, साथ में सारे सिंगली बॉन्डेड है तो एन लग जाएगा. अब सिमिलरली इसकी नेमिंग देखो. सी द नेमिंग ऑफ दिस पार्ट नाउ. अब आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग में चलती जाऊंगी मेरे कार्बन की जो नंबर है मेन चेन का वो कम होता जाएगा. देखो पहले मैं 5 से स्टार्ट हुई, फिर मेरे 4 रह गए हैं, अब इसके बाद मेरे 3 कार्बन रह जाएंगे मेन में, तो ये मेरे 3 जो है वो मेन चेन में आएंगे, बाकी ये दोनों जो है वो साइड में जाएंगे.
क्योंकि मैंने इनको ब्रांचिंग में कर दिया है, तो नेचुरली ब्रांचिंग तो साइड्स में ही जाती है। ओके, अब दो ब्रांचिंग में चले गए हैं, दोनों का नंबर लिखते हैं अगेन, 1 2 3। नंबरिंग हमने हमेशा मेन चेन को करनी होती है, 1 2 3। अगर मैं इधर से करूंगी तो भी 1 2 एंड 3, यानी कि दोनों तरफ से उसको 2 नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से जिस मर्जी साइड से उसकी क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। अब देखो, दो साइड चेन्स हैं, ठीक है, दो साइड चेन है तो दोनों का नंबर लिखेंगे। अगर एक थी तो हमने एक का नंबर लिखा था, अब दो है तो दोनों का नंबर लिखेंगे। एक का लिखा पहले 2, फिर दूसरे का 2 लिखना है, और इन दोनों के बीच में क्या डालना है, कॉमा डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स देख लो। जब आपने एक नंबर को अल्फाबेट को सेपरेट करना है तो हाइफन डालना है, जब दो नंबर्स को सेपरेट करना है तो कॉमा डालना है। ओके, अब 2 2, पहले एक मिथाइल था तो मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा, अब दो हो गए हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाई। क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई। डाई मीन्स दो। ओके, वी विल बी यूजिंग द वर्ड डाई। अगर एक होता है तो फिर हमने नहीं लिखना होता कुछ भी, सिंपली मिथाइल लिख दिया। अगर दो हो गए हैं तो डाई ग्रुप लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, पर हमने 4 तक जाना ही नहीं है। ठीक है, तो डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। अगर आपके ये ग्रुप जो है वो 3 4 हैं। अब यहां पर 2 लगे हुए हैं तो इसीलिए मैंने डाई लिखा है। आगे आएगा आपका मिथाइल, एंड द नेक्स्ट इज प्रोपेन, द नेक्स्ट इज प्रोपेन, क्योंकि 3 की चेन है। ओके, सो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द आंसर। नाउ दीज आर द आइसोमर्स। अब सिमिलर वे से आपने, आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू कवर फॉर हेक्सेन। आपने हेक्सेन के सारे आइसोमर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। ओके, एंड आई विल बी आस्किंग यू टुमारो। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके 5 बनेंगे। एक सीधी चेन का जाएगा, पहले आपने एक ब्रांचिंग में लेके जाना है जैसे यहां पर किया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रांचिंग है, वहां पर एक 3 नंबर में भी ब्रांचिंग पे आ जाएगा। पहले ऐसे ही आपने एक 2 ब्रांचिंग में करना है, फिर आपने 3 में ब्रांचिंग में भी एक करना है, तो 2 3 वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने ऐसे बनाना है, ठीक है, डबल ब्रांचिंग में, तो डबल ब्रांचिंग में भी एक आपने सेम सेम लगाने हैं, एक आपने ऑपोजिट ऐसे करके लगा देना है, क्योंकि आपके पास कार्बन बढ़ जाएंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कार्बन आ जाएगा, आपने ऐसे ही एक में दोनों के लगाने हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपका ऐसा आएगा जिसमें एक पे CH3 यहाँ पर लगा देना, दूसरे पे CH3 दूसरे कार्बन पे लगा देना। ओके, तो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग 5 स्ट्रक्चर्स, 5 स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके हेक्सेन के। नॉर्मल एक ये 2 वाला आएगा, 2 के साथ साथ आप 3 वाला भी बनाओगे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। ठीक है, ये 3 हो गए, फिर उसके बाद आपने सेम ऐसा स्ट्रक्चर भी एक बनाना है जहां पर ये दोनों ब्रांचिंग जो है वो सेम कार्बन पे बनानी है, और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर ये ब्रांचिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे बनानी है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द हेक्सेन, और सबकी आपने नेमिंग भी करनी है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको करवाई है। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज होमोलोगस सीरीज। So if you remember when we did the concept of alkane, alkenes and alkynes, तो मैंने आपको बताया था उसमें, when you are writing alkane, CH4 methane है, C2H6 है, ठीक है, ethane है, according to the general formula of CnH2n+2, okay?
तो यहाँ पर अगर मैं सी थ्री लिखूंगी तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, तो जो थर्ड मेंबर है वो आ जाएगा आपका सी थ्री एच एट, फोर्थ मेंबर है जो आपका दैट विल बी सी फोर, फोर यहाँ पर, फोर टू जा एट प्लस टू टेन। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, अगर आपको नेक्स्ट मेंबर नहीं लिखना आ रहा है तो सिंपली एक कार्बन इंक्रीज करो और दो हाइड्रोजन इंक्रीज करो, यही कहा था। देखो फोर हाइड्रोजन है, सिक्स हो गए, एट टेन ट्वेल्व, इसके बाद आपको पता है फोर्टीन आएगा, फिर सिक्सटीन आएगा। ओके ये एल्केन लिखे हैं, सिमिलरली फॉर द एल्कीन्स सी एन एच टू एन, दिस इज द एल्कीन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है हमारी सी टू एच फोर। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, अगर इसमें मैं पुट करूं सी थ्री एच सिक्स, नेक्स्ट सी फोर, फोर टू जा एट। तो अगेन जब आपने नेक्स्ट मेंबर प्रिडिक्ट करना है, आपने नेक्स्ट मेंबर बताना है, तो उसमें भी सेम कर रहे हैं, एक एक कार्बन बना बढ़ा रहे हैं और दो दो हाइड्रोजन बढ़ा रहे हैं। देखो चार हैं, फिर छह हो गए, फिर आठ हो गए। ओके इन द सेम वे यू विल बी गेटिंग सी फाइव एच टेन एज द नेक्स्ट मेंबर। सिमिलरली इफ यू चेक आउट फॉर द एल्काइन्स सी एन एच टू एन माइनस टू, तो सी टू एच टू, सी थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से टू माइनस करो फोर, अगेन एक कार्बन बढ़ाया है और दो हाइड्रोजन बढ़ाए हैं, सब में यही है, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ा दो हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन बढ़े। ओके सो दिस इज एक्चुअली द होमोलोगस सीरीज, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज दे ऑल आर सिमिलर एक्सेप्ट द सक्सेसिव मेंबर इट गोज ऑन एडिंग बाय सी एच टू ग्रुप। ठीक है, जो नेक्स्ट मेंबर हैं, अब ये सारे सेम हैं, राइट, दीज ऑल दे आर सेम इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज ऑल आर सेम इन देयर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, राइट, बट द ओनली डिफरेंस हेयर इट विल बी दैट द नेक्स्ट मेंबर दे ओनली डिफर बाय अ सी एच टू ग्रुप। ओके सो दिस इज अ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड that are having similar structures and similar chemical properties, but the only difference is they differ by CH2 group. अगर आपने alkane series देख रहे हो तो सारी की सारी alkane series की properties सारी similar होंगी। ठीक है, अगर आप chemically उन सबको देखो तो सारे chemically same होंगे, but सिर्फ उनका एक difference है कि जो next member है वो CH2 group आप उसमें add करोगे तो आपके पास next member आते जाएंगे। सेम फॉर द एल्कीन्स, ये सारे मेंबर्स को अगर मैं देखूं, ठीक है, इन सारे मेंबर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो आपने सक्सेसिव मेंबर्स लेने हैं वो सी एच टू ग्रुप से डिफर करेंगे, बस। सिमिलरली फॉर द एल्काइन्स, सी टू एच टू, सी थ्री एच फोर, सी फोर एच सिक्स, ये सारे सेम प्रॉपर्टीज आपको शो करेंगे। ठीक है, दे ऑल विल बी शोइंग यू द सेम प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स, सक्सेसिव मीन्स जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं वो सिर्फ सी एच टू ग्रुप से डिफर कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं है। ओके, देयर प्रॉपर्टीज दे आर क्वाइट सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे विल डिफर बाय सी एच टू ग्रुप। एल्केन्स के सारे एल्केन्स वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एल्कीन्स वाले सारे ही एल्कीन्स वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एल्काइन्स वाले सारे एल्काइन्स वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ओके तो ये जो डिफरेंट मेंबर्स की सीरीज आती है, एल्केन्स की जो सीरीज है, एल्कीन्स की जो सीरीज है और एल्काइन्स वाली जो सीरीज है, दिस इज द होमोलोगस सीरीज। इज दिस क्लियर? हां जी बेटा, क्लियर हुआ होमोलोगस सीरीज क्या है, राइट? बाकी भी इफ इट इज क्लियर टू यू, चलिए राइट डाउन वन क्वेश्चन देन। एक क्वेश्चन लिखिए, write the formula of two homologous of propane, write the formula of two homologous of propane।
आपने प्रोपेन के होमोलोगस बताने हैं इसमें। अब देखो भूमिका हैज सेड टू रिपीट, भूमिका देखो आपसे पूछा है होमोलोगस बताओ, एक लोअर होमोलोगस और एक हायर होमोलोगस बताना है आपने प्रोपेन का। ये है आपका प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन C3H8। प्रोपेन का एक लोअर होमोलोगस क्या होगा, इसमें से आप CH2 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। एक हायर होमोलोगस चाहिए तो इस C3H8 में CH2 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोपेन का लोअर होमोलोगस हो गया और ये जो है वो प्रोपेन का हायर होमोलोगस हो गया। सो दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड अ लोअर एंड द हायर होमोलोगस ऑफ प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, उसमें से अगर लोअर चाहिए तो एक CH2 माइनस कर दो, अगर एक हायर चाहिए तो CH2 प्लस कर दो। हाँ जी क्लियर। सिमिलरली यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू क्लासिफाई एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। जैसे उन्होंने दे दिया आपको C2H2, ठीक है, अभी तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो आपको इजिली समझ आ जाएंगे। C2H4, C3H8। उन्होंने पूछा है कि इसमें से एल्केन्स कौन से हैं, एल्कीन्स कौन से हैं और एल्काइन्स कौन से। अब तो आपने ब्लैकबोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ओके। बट अगर आपके सामने नहीं है कुछ तो सिंपली देखो कि ये कौन से फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आर दे सेटिस्फाइंग दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि इनमें से किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं तीनों में C2 भर दूं और H मेरे पास 2 आना चाहिए, यहाँ पे भरूंगी 2 2 4 + 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बनेगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट जो है वो क्या है, एल्काइन है, जो आपके सामने लिखा भी हुआ है C2H2। नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू C2H6, अगेन सेकेंड कार्बन वाला था तो अभी हमने भरा ही था, तो ये एल्केन है। C2H4, अगेन आपने इस सारे फॉर्मूलाज में पुट करके देखना है कि ये किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट विल बी सेटिस्फाइंग एल्कीन। C3H8 विल बी सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, ओके। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। राइट, ओके। आई विल गिव यू वन कंपाउंड, अगर आप उसका नेम मुझे करके बताओ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज फंक्शनल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। चलिए बेटा इसका नेम करके बताओ मुझे। Naming of this one. That is not pentane. Branched है बेटा, देखो ये branching है, 1 2 3 4, ये select करना है हमने, अभी बताया भी था मैंने। This is a branched structure. Yes. So this is 2-methyl-butane. ये normal हो जाएगा आपका 1 2, यहाँ से numbering start करूंगी तो उसको 2 number मिलेगा, यहाँ से numbering start करूंगी तो उसको 3 number मिलेगा। तो मुझे 3 नहीं देना है उसको, मुझे उसको 2 number देना है, okay? So that is 2-methyl. और कितने carbon है, 1 2 3 4. तो butane बन जाएगा इसका। That is 2-methyl-butane. Is this clear? हाँ जी ठीक है बेटा। Yes, no. Okay.
Now coming to the next concept of functional group. So you all are familiar, ठीक है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो कि ये अल्कोहल है, this is an acid, right? Okay? तो some of the acids आप familiar होंगे, कुछ alcohols आपको familiar होंगे. तो ये क्या है? They actually belong to a group, एक family को belong करते हैं, ठीक है? हमारे पास different different compounds थे. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. हमने क्या किया है, हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है. वी आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है. अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैंडल करने डिफिकल्ट हो जाते हैं नेमिंग के पार्ट में स्पेशली. ओके, सो व्हाट वी हैव डिड इज हमने उनको ग्रुपिंग कर दी है, हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप आता है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप आता है उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है अल्कोहल, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप आता है उनको हम क्या कह देते हैं कि ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो अगर ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं तो डैट मीन्स ये सारे के सारे जो हैं वो अल्कोहल फैमिली वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है. जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें OH ग्रुप आ रहा है तो ये सारे के सारे जो हैं वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो करेंगे, अल्कोहल फैमिली वाले ही करेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे शो करेंगे. ओके, सो दीज आर एक्चुअली टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स. हम इनको क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कह देते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? पहले फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ आया? हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है, जिनमें OH ग्रुप आ रहा है, जिनमें डबल बॉन्ड है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने उन सबको एक फैमिली की तरह क्या कर दिया है, अलग अलग सार सबकी फैमिलीज बना दी है. जैसे सिंगल बॉन्ड वालों को हमने एल्केन फैमिली में दे दिया, डबल बॉन्ड वालों को हमने एल्कीन फैमिली में दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइन फैमिली कहते हैं. ओके, तो जितने भी एल्केन्स होंगे वो सारे एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जितने भी एल्कीन्स हैं, जितने भी एल्काइन्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, एक एटम है या ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स से बना हुआ है जो सारे क्या करते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. ओके, एल्केन वाले अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एल्कोहल वाले अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, दे ऑल विल बी एग्जिबिटिंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स. सो दे आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट शो देयर और शोइंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. That show their own characteristic property. जो उनकी अपनी properties हैं वो क्या करते हैं, वो उनको show करते हैं, ठीक है, in a compound, जिस भी compound में वो लगे होते हैं. So this is known as functional group. तो depending on this type, we are having different different types of functional groups, ठीक है. तो हम वो chart कर लेते हैं. See. एक मैंने आपके सामने लिख दिया है OH ग्रुप. OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल्स रिप्रेजेंट करते हैं.